हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इंडिया में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट हमारा इरिगेशन सोर्सेज जो है वो हिमालय है। इंडिया रिवर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिसुलर इंडियाज ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो आता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में। जो हिमालय से तीन मेजर रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीन रिवर्स जो हैं वो जो इंडिया के इरिगेशन रिसोर्स का बहुत प्रमुख स्रोत हैं। इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये हमारी पांचों ही रिवर्स जो हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। इसके बाद जो आती हैं हमारी गंगा की सहायक नदियाँ आती हैं, तो उसमें सबसे पहली है गोमती, घाघरा, गंडकी, कोसी, यमुना, सोन, पुनपुन एंड दामोदर रिवर। इनमें से जो है घाघरा नदी जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो है ट्रिब्यूटरी रिवर कहलाती है। इसके बाद हमारी आती है ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो इसकी है हमारी ट्रिब्यूटरी रिवर से ब्रूही दिहिंगी, दस सबनश्री जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है, मानस, संकोश और कमने, ये सारी ही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अब हमारे हिमाचल के बारे में, तो हिमाचल में कितनी नदियां बहती हैं और ये कहां कहां पर हैं, अभी हम इसी के बारे में आगे जानेंगे। तो हिमाचल में जो है प्रमुख जो है पांच नदियां हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज जिसे सतलुज भी बोलते हैं और यमुना। ये पांचों ही नदियां हैं हिमाचल के लिए मुख्य स्रोत है। अब सबसे पहले हमारी आती है चिनाब नदी। तो चिनाब का ऋग्वेद में नाम जो है वो अश्विनी है। ये रिवर जो है चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से बनी हुई है और ये हिमाचल के लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के कैलांग से 8 किलोमीटर दूर टांडी में सिचुएटेड है। और ये रिवर जो है मेजर रिवर फ्लो इन इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। चंद्रा जो है वो चंद्रताल लेक से ओरिजिनेट हुई है और भागा जो है वो सूरजताल लेक से निकलती है। इन दोनों के ही संगम से अभी आपको बताया कि चिनाब नदी, चिनाब जो है वो बनी है। आगे हमारी चिनाब नदी जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट नदी है हिमाचल में। इसका फ्लो जो है 122 किलोमीटर है और इसका एरिया 7500 स्क्वायर किलोमीटर है कश्मीर में एंटर से पहले हिमाचल में। इसकी लेंथ 990 किलोमीटर है और ये नेविगेशन रिवर नहीं है क्योंकि इसका जो है मैक्सिमम वाटर जो है वो पाकिस्तान को जाता है। रावी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से राइज होती है हिमालय के बड़ा बंगाल में जो कि हिमाचल के धौलाधार ब्रांचेस में आता है। इसका वैदिक नेम परुषनी है और संस्कृत में इसे इरावती कहते हैं। ये जो नदी है 158 किलोमीटर एरिया कवर करती है पंजाब में एंटर से पहले। आगे ब्यास आती है हमारी, तो ब्यास जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है हिमालय से, हिमाचल के मध्य से। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 470 है और इसका वैदिक नेम अर्जिक्य है और संस्कृत में इसे बिपाशा कहते हैं। एशियन ग्रीक में इसे हाइपोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है सतलुज नदी, जिसका संस्कृत में नाम जो है वो सतादरु है। ये हमारे साउथर्न स्लोप ऑफ कैलाश माउंटेन के पास मानसरोवर लेक से निकलती है। ये हिमाचल में शिपकी से एंटर करती है, इसका जहाँ पर अल्टीट्यूड 6608 मीटर है और ये किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सोलन, मंडी, बिलासपुर का एरिया भी कवर करती है। यमुना है आगे हमारी, जो हिमाचल के खादर मजरी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से एंटर होती है और ये यमुनोत्री से निकलती है जो कि गढ़वाल हिल्स में यूपी में। और ये जो है इसका मैक्सिमम जो पार्ट है रिवर का वो हिमाचल प्रदेश में है।
और इसका कैचमेंट एरिया 2320 किलोमीटर है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।